अंजुमन फाउंडेशन उमंग सोशल वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने आयोजित ईद मिलान कार्यक्रमात सध्याच्या अस्थिर स्थितीत सर्वांनी सद्भावनेने एकमेकांशी वागावे असे आवाहन करण्यात आले. कल्याण पश्चिमेकडील सूर्यकिरण सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शरद शेलार, तहसीलदार किरण सुरवसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात बाजारपेठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिलीप सूर्यवंशी, सी जे गौतम, ऍडव्होकेट झुबेर काझी, डॉक्टर फबियन अल्मेडा, मिस्टर खुर्शीद अनवर इतर मान्यवर उपस्थित होते. नौशाद उस्मान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमात रमजान ईदचे महत्व पटवून देण्यात आले. त्यात सत्य, अहिंसा, मानवता ही समान तत्वे असल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. समाजातील तरुणांच्या समस्या समजावून घेऊन त्यांच्यात समाजाबद्दल आपलेपणा निर्माण होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करून परमेश्वर चिंतन, कुराण पठणाचे महत्व पटवून दिले. ईद को नॉर्मली रमजान ईद कहा जाता है, उसका सही नाम है ईद उल फित्र. एक ऐसी ईद जिसके अंदर फितरा अटैच किया गया है. और फितरा क्या है? फितरा एक दान को कहा जाता है कि हर मुसलमान उसके ऊपर इस बात का कंपल्शन है कि ईद के अवसर के पहले वो ये देखे कि अपने आस पड़ोस में कोई गरीब, कोई भूखा, कोई फैमिली ऐसी है जिसको ईद के दिन भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसकी ईद के पहले उसे जाके उसके घर में खाना पीना पहुंचाना है. कोई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, उसको इस बात का उसके लिए कंपल्शन है कि वो जाए और उनको भी अच्छे कपड़े पहनाए. कुछ छोटा सा शेर व शायरी के द्वारा मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ. बस फोर ऑफ देम आर देयर. इम्पोर्टेंटली, सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे. यही है जिंदगी का नाम. एज एक मानसिक डॉक्टर होते हुए मैं आपको बोलूंगा, दो चीजें मानसिक शाखा में आंखों में आती है. एक, लोगों की जानकारी मानसिक बीमारियों के बारे में बहुत कम है. एंड वी आर हैप्पी दैट फ्रॉम कल्याण हम लोग ने इंडिया का सबसे पहला मानसिक जो टेबल कैलेंडर है हम लोग ने शुरू किया है, जिसका नाम इंस्पिरेशंस है. और उस कैलेंडर में लोगों की कहानियां, आप और हम जैसे सिंपल लोगों की कहानियां जिनको मानसिक बीमारी हुई है, उनके फोटो के साथ ये कैलेंडर ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड जाता है. एक मिसाल देने के लिए कि हमको कोई शर्म नहीं है, अगर हमको मानसिक बीमारी है हम ट्रीटमेंट लेके आगे जाएंगे, क्योंकि दूसरा कमजोरी है मानसिक डॉक्टर के पास आने का शर्म. लेकिन ऐसे यहाँ ब्यूटिफुल प्रोग्राम्स में हम लोग को बुला के ये शर्म भी कम हो सकता है. आप लोग अगर और 10 लोग, हर एक यहाँ पे जो मौजूद है, और 10 लोग को ये मिसाल देते हैं तो मानसिक शाखा के लिए भी बहुत बड़ा काम होगा. खरतर आजचा आपला कार्यक्रम हा ईदच्या पार्श्वभूमीवर आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि रमजान ईद बद्दल या अगोदरच्या वक्त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे सगळ्यांना सांगितलेलं आहे की ईदचं महत्व काय आहे. दिल, दिमाग, वाणी, हात आणि शरीराच्या सर्व अवयवांचा जो संयम आहे तो आपण या निमित्ताने शिकत असतो. केवळ रमजानच नव्हे तर इतर वेळा सुद्धा आपण वारंवार या सगळ्या शिकवणीची सगळ्यांना जाणीव करून द्यावी. आणि आपल्याकडे किती युवक आहेत, हे युवक आता काय करत आहेत, यांना चांगल्या प्रकारचं काम आपण कसं मिळवून देणार आहोत, चांगल्या प्रकारचा स्किल सेट आपण कसा मिळवून देणार आहोत, यासाठी त्यांचं मेंटरिंग करण्याचं काम आपण सगळ्यांनी मिळून करण्याची फार आवश्यकता आहे.